कतर से चल रहे विवाद में भारत को एक बड़ी सफलता मिल गई है। भारत सरकार के एक्शन के बाद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को अब फांसी नहीं होगी। 26 अक्टूबर को ये डेथ सेंटेंस सुनाया गया, जबकि इंडिया ने इसराइल का सपोर्ट किया, बिकॉज हमास को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है। और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर। अब उसमें भारत जैसे मुल्क तो फिर उसका कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे, जिस तरह वो वेनेजुएला से तेल लेने के बारे में सोच रहे थे। हम सब सड़क पे आएंगे एंड लेट अस मेक आवर वॉइसेस हर्ड। हजारों की भीड़ इकट्ठा करें पूर्व सैनिकों की और दिल्ली में जो कतर का एम्बेसी है उसके सामने धरना दिया जाए। एंड लेट अस इनवाइट द वर्ल्ड, पूरे ग्लोबल मीडिया और कतरी एम्बेसी के सामने, और वहां पे डेरा डालो। ये एक सजाया हुआ पूरा गेम प्लान है कतार का। सो कतार बीइंग इन फेवर ऑफ हमास बिकॉज़ दे आर पार्ट ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड, सो कतार डिड नॉट लाइक इंडिया सपोर्टिंग देम एंड नॉट सपोर्टिंग पैलेस्टाइन। हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता, जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं इस टाइम 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे हैं। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 थे, सिर्फ यानी 8 लोगों के लिए वो इतना कंसर्न रखते हैं, इतना सीरियस। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है न्यूज फ्लैश सेंट्रल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर काफी शोर मच गया था जब कतर ने 8 नेवी ऑफिसर जो कि कतर के ही एक कंपनी में काम कर रहे थे और उनको फिर कतर की पुलिस ने पिछले साल ही इसराइल के लिए स्पाई के आरोप में अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसको पिछले महीने ही कतर की कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी थी। शायद यह पहली बार हिस्ट्री में ऐसी पहली घटना थी जिसके अंदर भारतीय पूर्व फॉर्मर नेवी ऑफिसर को किसी दूसरे देश के अंदर फांसी का सजा सुना दी गई हो। लेकिन उसके बाद भारत सरकार नींद से जागी और फिर भारत ने डिप्लोमेसी के जरिए कतर के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। हालांकि अब नई खबर यह है कि कतर कोर्ट ने उन 8 भारतीय ऑफिसर के ऊपर फांसी की सजा को हटा दिया है, लेकिन कतर कोर्ट का उन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाने के पीछे एक बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र रचा है। कोई छोटी मोटी गेम नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा गेम खेला गया है। एक चंद नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाया जासूसी का कि वो इसराइल के लिए कतर में जासूसी कर रहे हैं और इसी बेस पे उन्होंने सजाए मौत भी अनाउंस कर दी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कतर ने अपने डिसीजन को वापस लिया है और मतलब इस केस को आगे लेकर चलने का फैसला किया है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इस केस को बहुत डीपली ना सिर्फ ऑब्जर्व किया बल्कि अनाउंस किया था कि हम इस केस को आगे लेकर चलेंगे। और आखिर कतर को अब क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने जो अपना फैसला था उसके ऊपर नरमी क्यों की है? शाहद भाई, ये सारा सीन आप जानते ही होंगे, पहले भी हमने डिस्कशन की इसके हवाले से। क्या समझते हैं कतर ने आज के टाइम में, जब इसकी जंग चल रही है, आज के टाइम में इंडिया के ऊपर या इंडिया के नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये जासूसी कर रहे हैं इसराइल के लिए, क्या समझते हैं ये सारे केस को आप? पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले एक दो दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं और जनाब उनको जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है, लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया है और अब मजीद जो केस है वो आगे परसू करेगा। और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ जो कि ट्रिलियन डॉलर्स मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने इल्जाम लगाया ना बेसिकली कतर की साइड से, वो ये कह रहे हैं कि जो इसराइल के साथ जो थे ये मिले हुए थे और ये एक जासूसी कर रहे थे। लेकिन अभी और भी चीजें सामने आई हैं तो वो पता चला है कि इंडिया की जो कतर की जो कतर एयरवेज है उसका कोई टैक्स वगैरह के मामला इंडिया के अंदर चल रहे हैं, इंडिया के अंदर चल रही है खबर आई थी। और इसी चीज को जरा हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए, या कतर ने सोचा प्रेशर डाला जाए कि जो हमारे पे इंडिया इल्जाम लगा रहा है हम इन पे इल्जाम लगा ले। मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि ये सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि कतर जो है ना उसके अपने मामला, आप देखे कतर एयरवेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चलती है, मानी जाती है ठीक है। अगर वो उसी का बैन कर देना तो कतर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब देखे इनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही होती है ऑयल के ऊपर, ये जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, और इन्होंने इनके साथ डील बनाई और जो कि वो डील खराब करना कभी नहीं चाहेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? ये एक सजाया हुआ पूरा गेम प्लान है कतार का। 7 अक्टूबर अटैक हुआ हमास का इसराइल पे, उसके बाद 26 अक्टूबर को ये डेथ सेंटेंस सुनाया गया, जबकि इंडिया ने इसराइल का सपोर्ट किया बिकॉज हमास को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है। सो कतार बीइंग इन फेवर ऑफ हमास बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड,
सो कतार डिड नॉट लाइक इंडिया सपोर्टिंग देम एंड नॉट सपोर्टिंग पैलेस्टाइन एंड आफ्टर लॉट ऑफ प्रेशराइजिंग आवर डिप्लोमैट्स एंड मोदी जी हैज हिमसेल्फ बीन इन्वॉल्व इन दिस दो ही हैज नॉट स्पोकन टू द अमीर बट ही हैज यूज्ड हिज टाइज विद कतार गवर्नमेंट एंड देन ये आपने देखा होगा जैसे ही सीज फायर हुआ एंड इंडिया हैज ऑल्सो सेंट एड टू पैलेस्टाइन सो ये कतार ने सडनली जैसे होता है रूठे हुए होते मान गए एंड देन येस्टरडे जो अपील किया गया इसको एक्सेप्ट करके इनसे डेथ पेनल्टी हटा दिया गया है बट देन वॉट इज आगे दैट हैज नॉट बीन टोल्ड मोस्ट प्रोबेबली दे मे बी टेकन बैक इनटू आवर नेशन एंड देन डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द चार्जेस एक्शन विल बी टेकन या जैसे भी है दैट इज बेसिकली द होल थिंग कि ये पूरा एक इंटरनेशनल साजिश है जो कि दीज मुस्लिम ब्रदरहुड कंट्रीज हैव क्रिएटेड टू प्रेशराइज इंडिया वैसे भी एक मैं बात बता दूं इनकी कतर इतना बड़ा हाथ नहीं मारेगा कि भारत के फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को मौत के इतना बड़ा हाथ नहीं मारेगा कतर क्योंकि अगर कतर को देखिए अभी तो डिप्लोमेसी से बात चल रही है पर अगर कतर को कोई भी गलतफहमी है अपने बारे में तो गलतफहमी भी दूर रखने की सलाहियत भारत रखता है लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है यार ये हमारे फौजीज हैं हमारे वेटरन्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को इसमें पढ़ना चाहिए मुझे लगता है कि नेवल हेडक्वार्टर्स को इसमें पढ़ना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे वेटरन कम्युनिटी है भारत में जो पूर्व सैनिक है ये बहुत बड़ा एक परिवार है बहुत बड़ा इसमें करोड़ों लोग हैं शामिल इनके अगर परिवार शामिल कर लें तो ये फिर ये बहुत बड़ा परिवार है यार छोटी सी बात समझ लीजिए अगर ये हम लोग आते हैं सड़क पे सारे के सारे वेटरन्स और ये मेरी अपील है सारे सीनियर वेटरन से हाथ जोड़ के अपील है कि सर आप में से कोई आवाज़ दीजिए हम सब सड़क पे आएंगे एंड लेट अस मेक आवर वॉइसेस हर्ड हजारों की भीड़ इकट्ठा करें पूर्व सैनिकों की और दिल्ली में जो कतर का एम्बेसी है उसके सामने धरना दिया जाए एंड लेट अस इनवाइट द वर्ल्ड पूरे ग्लोबल मीडिया और कतरी एम्बेसी के सामने और वहां पे डेरा डालो और उन पे प्रेशर डालो एंड लेट अस आल्सो टॉक टू आवर डिफेंस मिनिस्ट्री कि ऐसा नहीं हो सकता यार कि कोई भी ये कतर शतर देयर ऑफिसर्स एंड मैन ऑफ द इंडियन नेवी उसमें एक सेलर भी है अफसर भी है उसमें सब है शामिल ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छोटा मोटा मुल्क कैसे कर दे हमारे साथ लेट अस डू समथिंग जो जयशंकर साहब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं अपने लेवल पे बट हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना उनके लिए हम क्या कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।